नमस्कार दोस्तों, मैं फन फूड से। आज हम कचौड़ी बनाने जा रहे हैं मूंग की, जो आम तौर पे सभी को पसंद है। तो ये चीज़ हम पहले तो हम हर चीज़ बाहर की ही पसंद करते थे कि नहीं बाहर ही की लेंगे और ये सब, लेकिन आजकल क्या घर पे बनाने का बहुत ट्रेंड चला है, तो हम ये मूंग की कचौड़ी घर पे बना रहे हैं। और इसमें हमें क्या क्या लगेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये मैंने मूंग 5 से 6 घंटे पहले ये निकाला दी थी और ये इसका पानी मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए, ये फूल के पूरी हो गई है। आप थोड़ा सा तोड़ के देख सकते हैं, ये मूंग हमारी हो गई है। इसमें हमें मैदा लगेगा, बेसन, और मसाले में हमें जीरा, सौंफ, गरम मसाला, काली मिर्च और ये अमचूर, अजवाइन, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी और ये नमक, तेल और ये थोड़ा सा पानी। तो लीजिए, आइए हम कचौड़ी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम कचौड़ी की बाहरी परत का डो बना लेते हैं। ये हम इसका दो बना लेते हैं कचौड़ी का। तो हम सबसे पहले मैदा ले लेते हैं। मैदा मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें आप अजवाइन अजवाइन डालते हैं थोड़ी सी। ये अजवाइन लगा दी मैंने और इसमें 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ और तेल की मात्रा में इसमें चम्मच से आपको बता देगी, चम्मच से ही मैं भी ले रही हूँ। ये 2 3 ये मैंने 4 चम्मच ले लिया है। अब इसे हम दो को तैयार करते हैं। पहले हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये मोन देने से हमारी कचौड़ी सॉफ्ट बनेगी। दोस्तों आप ये हमने मोन दे दिया है, अच्छे से मिला दिया है। अगर आपका मोन कम होगा तो ये आपका ये बंदेगी नहीं। अगर ये मोन परफेक्ट है तो ये हमारी या बांध के देखेंगे तो ये चीज़ बंद रहेगी। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी करके इसमें मिलाएंगे। मीडियम इसका आटा गूंथ के इसको मीडियम आटा गूंथ लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दो हमने बना लिया है। तो दोस्तों ये हमारा दो तैयार है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसको अलग रख देते हैं। तब तक हम कचौड़ी का मसाला तैयार कर लें। ये देखिए दो हमारा ये हमने तैयार कर लिया। अब हम कचौड़ी का मसाला तैयार करते हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो दोस्तों ये मूंग को हल्का सा हम मिक्सी में पीस लेंगे। दोस्तों हमारा ये मसाला हमने पीस लिया है। हमने खूब दाल को बारीक नहीं किया। ये देखिए हमारी दाल को बारीक नहीं हुई है, हमने हल्का सा इसे पीस लिया है। ये इसमें निकाल लेते हैं। दोस्तों हम अब इसको मसाले को सेंक लेते हैं। ये मैंने गैस चालू कर दिया। इस पे अब हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। दोस्तों इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला डालें खड़ा, लेकिन मैं इसमें सारी चीज़ें पिसी हुई ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो फिर बहुत थोड़ी मुँह में आएगी, इसलिए मैं यहाँ सारी चीज़ें पिसी यूज़ करूँगी। तो दोस्तों मैंने ये जीरा मसाले आप अच्छे डालें ताकि इनकी खुशबू और टेस्ट अच्छा बनाए। सौंफ, काली मिर्च, अमचूर और ये खड़ा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें पिसी करेंगी। नमक, ये गरम मसाला और काली मिर्च डाली, इसलिए हम लाल मिर्च भी कम डालेंगे क्योंकि नहीं तो हमारी कचौड़ी बहुत तेज जाएगी। ये सारे मसाले हमारे हल्के से सिक रहे हैं। इसी में हम थोड़ा सा बेसन डालेंगे, हमारे ये सब साथ में सिक जाएगा। और इसी में हम इस दाल को डाल के डाल देंगे।
गैस बिल्कुल स्लो कर दें। ये हमारे दाल में अच्छे मसाले मिल गए हैं, अब हम इसे थोड़ा सा इसे अच्छे से सेंक लेंगे। ये मूंग की दाल जब हम डालते हैं तो हमारी कढ़ाई लगती है, ये जब हो जाती है तो वो कढ़ाई छोड़ देते हैं। दोस्तों इसे भाप में अच्छी तरह से पका लेते हैं, तो हम ये 2 मिनट के लिए इसे ढक के रख देते हैं। दोस्तों इसे इसलिए इसमें थोड़ी देर को पका रहे हैं क्योंकि ये हमारा मसाला कच्चा नहीं लेना चाहिए। ये हमारा मसाला हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों ये हमने बाउल में मसाला निकाल लिया है, आइए दोस्तों हमारे ये कचौड़ी का मसाला हल्का सा ठंडा हो गया है और हमें दो तैयार करने का टाइम हो चुका है। हम ये दो देखते हैं, हम ये अच्छे से मिला लें और हम कढ़ाई में तेल लगा लें, कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। दोस्तों जब तक हमारी तेल गर्म हो रहा है तब तक हम कचौड़ियों को बना ले रहे हैं। तो हम ये हाथ में ऐसे हाथ में अच्छे से लोई बनाएंगे और ये आप इस तरह से इसको खूब अच्छे से फैला लें। दोस्तों इसमें आप ये चम्मच की सहायता से इसमें जितना भी मसाला लेना है आप इसमें ले लें और दोस्तों हल्का सा पानी लगा लें, हल्का सा पानी का हाथ लगा लें तो ये हमारी कचौड़ी आसानी से चिपक जाएगी, फिर ये तेल में खुलेगी। तो ऐसे ही हम सारी कचौड़ी बना लेते हैं, ऐसे ही हम सारी कचौड़ी बना लेंगे। जी दोस्तों हमने ये कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लिए, हम इसे फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने ये गैस ऑन कर लिया है, हमें मीडियम ही आंच में इसे तलना है। जब हमारी कचौड़ी ऊपर आ जाएंगी इसके बाद हम गैस को तेज कर लेंगे। तो हल्की सी ये हमारी कढ़ाई हो जाए, हल्का सा डाल के देख लेते हैं। हाँ ये हमारी कढ़ाई हो गई है, अब मैं इनको कचौड़ियों को इसमें डाल ये हमें स्लो लगना है, हमारी कचौड़ी फूल से ऊपर आ जाएगी तब हम इसको तेज करेंगे।
ये हमारी कचौड़ी पूरी गई है, अभी हम इसे पलट देंगे। दोस्तों ये मीडियम आग, मीडियम में ही इन्हें हमें सेकना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। दोस्तों ये 15 से 20 मिनट आपकी कचौड़ी तलने में इतना समय लेगी, क्योंकि हमें मीडियम में ही इसको तलना है, तेज में नहीं तलना है, क्योंकि दोनों तरफ के हमारी जो परत है उसको सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो जो भी मसाला हमारा कच्चा रह रहा है वो भी अंदर से भाप के द्वारा वो भी पूरा सिक जाए। कढ़ाई छूटी है इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कचौड़ी छूटी कहीं, ये हमारी कचौड़ी छूट गई है। देखिए ये देखिए ये छूट गई है, दोस्तों ये हमारी कचौड़ी देखिए हो गई है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको तल दिया है, मीडियम ही गैस पे तला है। दोस्तों ये बना के ज़रूर देखें आप, हमने गैस को बंद कर दिया है, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए फिर हम और जो कचौड़ियाँ हमारे पास रखी हैं हम वो बनाएंगे। दोस्तों ये कचौड़ी बनके तैयार है, आप हरी चटनी मिर्ची या जिससे भी खाना चाहें आप ये बनाएं और खाएं, और मुझे अपने कमेंट्स जो भी हैं आप मुझे शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू। चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर से ज़रूर करें, थैंक यू।